जवानों, सावधानी से आगे बढ़ना। कौन इस्तेमाल करता होगा इस गुफा को? नक्शे में इस गुफा का जिक्र है ही नहीं। तभी मैं चौंक पड़ा। मेरी नजरें दूर एक खंभे के पीछे से हमें घूर रहे लोगों पर पड़ी। मैं उनके बारे में अपने साथियों को बताने ही वाला था कि तभी मुझे न जाने क्या हो गया। मैं चाहते हुए भी उनके बारे में अपने साथियों को कुछ न बता सका। न जाने कौन सी अनजान ताकत मुझे रोक रही थी। नक्शे के मुताबिक हमें उस ओर जाना चाहिए। क्यों कासिम? क्या हुआ कासिम? क्या हुआ? वो पता नहीं, शायद इतना पसीना ठीक तो हो ना? हमने तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम आराम कर लो, तुमने मानी नहीं हमारी बात। नो सर, ठीक हूँ। ओके? यस सर। ओके, ठीक है, चलो आओ, आओ जवाना आओ। दोबारा देखने के बाद भी मैं किसी को कुछ नहीं बता पाया। लगता था जैसे मुझ पर कोई जादू कर दिया हो उस मायावी लड़की ने। ठंड सिर्फ मुझे लग रही है या आप लोगों को भी लग रही है? हाँ सर, हमें भी ठंड लग रही है। इतनी ठंड, जबकि इस इलाके में इतनी ठंड नहीं पड़ती। वो भी अचानक इस गुफा के अंदर। लगता है ये ठंड हमें बर्फ बना देगी, कुछ जानलेवा भी लगती है। सर, हमें यहाँ से निकलना चाहिए, हमारे यहाँ रुकना खतरनाक है। ये कोहरा हमें नेचुरल नहीं लग रहा है, बनावटी लग रहा है। आप लोग रुकिए, हम देखते हैं। उल्लू के मुंह से निकल रहा है।
सचमुच ये गुफा रहस्यमयी है। तुम्हें मेरे हाथों मरना होगा रंजीत सिंह। तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? कारा डूंगा का हर पहरेदार तुम्हें जानता है। सबको फरमान मिल चुका है तुम्हें खत्म करने का। तुम्हारे जैसे कितने पहरेदार हैं कारा डूंगा में? ये जानने के लिए तुम जिंदा नहीं रहोगे। मुझे मेरी शक्ति पर पूरा विश्वास है। जब तक इसके पास ये दिव्य तलवार रहेगी हम इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। लेकिन तमराज किलविश ने हमें इसे मारने भेजा है, हमें तो इसे किसी भी हाल में मारना ही होगा। चलो ये भी खत्म हुआ, आओ आगे बढ़ो। समझ में नहीं आ रहा था आखिर मैं उनके बारे में किसी को कुछ बता क्यों नहीं पा रहा था। ये औरत यहां कैसे आ गई? देखकर मैं बुरी तरह चौंक पड़ा। ये वही औरत थी जिसकी निगाहें लगातार हमारा पीछा कर रही थीं। ये बंजारों के वेश में यहां क्यों पड़ी है जबकि मैंने उसे अभी-अभी चिड़िया बनकर उड़ते देखा था। सर ये तो अभी जिंदा है, शायद थोड़ी देर में होश आ जाए। पानी मारो। जी पानी दो। सुनो, मैं पूरी कोशिश कर रहा था उसका रहस्य खोलने की, मगर ऐसा करते ही मुझे लगता था जैसे कोई मुझे मना कर रहा हो कुछ बताने से, और मैं मजबूर हो जाता था। लेकिन इतनी रहस्यमय जगह में ये लड़की आई कैसे? सर ये तो इसे होश आने के बाद ही पता चलेगा। सुनो, सर इसे होश क्यों नहीं आ रहा? लड़की यहां कैसे आई है जानने के लिए इसका होश में आना बहुत जरूरी है। शायद कौशल्या इसे होश में ला सकती है। चलो एक काम करो, कैंप में ले जाओ। यस सर। उठाओ क्विक, कम बी केयर। क्या हुआ कासिम मियां? देन कम। अब जल्दी होश आ जाएगा। इसका होश में आना बहुत जरूरी है। इसे होश आ रहा है। बाबा, भैया,
घबराओ मत, तुम सुरक्षित जगह पर हो। हाँ बहन, घबराओ मत। बताओ कौन हो तुम? क्या हुआ, क्यों रो रही हो तुम? मेरे बाबा, भैया। क्या हुआ उनको? हमें तो तुम अकेली मिली थी। इसका मतलब मार डाला, मार डाला उन जालिमों ने मेरे बाबा और भैया को। बताओ बहन, हम फौज के लोग हैं, हम पकड़ेंगे तुम्हारे बाबा और भैया की कातिलों को। नहीं बहन, वो लोग इंसान नहीं है, वो आपको भी मार डालेंगे। तुम हमें पूरी बात बताओगी? यह हादसा कैसे हुआ तुम्हारे साथ? हम बंजारे लोग हैं साहब, जंगली जड़ी बूटियों से दवाई बनाना हमारा पेशा है। मैं अपने अपने बाबा और भैया के साथ इस जंगलों में जड़ी बूटी ढूंढने आई थी। और क्यों, क्या तुम्हें कारण दूंगा कि जंगलों की भयानकता के बारे में नहीं पता? यहाँ तो कोई भी गांव वाला कभी नहीं आता। हम जानते थे साहब, इसलिए यहाँ दिन रहते आए थे। हम यहाँ रात कभी ना गुजारते, लेकिन कल जंगल में घूमते घूमते अपना रास्ता भटक गए, इसलिए हमें रात यहीं गुजारनी पड़ी। और अचानक आधी रात को कुछ आवाजें सुनकर हमारी नींद खुल गई, और जब हमने आवाजों की दिशा में देखा तो हमारे होश उड़ गए साहब। ऐसा क्या देखा तुम लोगों ने? हमने देखा कि हवा में एक के बाद एक राक्षस प्रकट हो रहे थे। एक विशाल राक्षस सिंहासन पर बैठा था, और वो सारे छोटे राक्षस उसे सलाम कर रहे थे। फिर क्या हुआ? फिर उस सिंहासन वाले राक्षस ने छोटे राक्षसों से किसी रंजीत सिंह का जिक्र किया। क्या जिक्र किया था? वो कहने लगे कि रंजीत सिंह काराडूंगा का रहस्य जान गया है, उसे खत्म कर देना चाहिए। तुम्हें अच्छी तरह याद है, उन लोगों ने ऐसे कहा था? हाँ हाँ, उस बड़े राक्षस ने ऐसे ही कहा था। उसी वक्त एक राक्षस की नजर हम पर पड़ी, और वो चिल्लाने लगा कि कोई हमारी बातें सुन रहा है, और वो सभी लोग हमारी तरफ दौड़ने लगे। हम डर के भागे वहां से साहब, और उसी भगदड़ में मैं कब बेहोश हो गई मुझे पता ही नहीं चला। और मेरे बाबा और भैया, पता नहीं वो जिंदा भी है कि नहीं। मैं उसके ढोंग को अच्छी तरह समझता था, वो खुद शायद मेजर साहब को यहाँ मारने आई थी। घबराओ मत, हम तुम्हारे भाई और बाबा को ढूंढेंगे। अगर वो जिंदा हैं तो हम उन्हें जरूर ढूंढ कर लाएंगे। ओके, कम कम। मेजर साहब ने जंगलों में उन्हें खूब तलाशा, मगर उन्हें ना मिलना था ना मिले, क्योंकि मैं जानता था वो सरासर झूठ बोल रही थी। अंत में निराश होकर हम कैंप में वापस लौट आए। उस रात जब मेजर साहब अपनी डायरी लिख रहे थे,
क्या बात है? हमारा यहाँ रुकना ठीक नहीं है मेजर साहब। क्यों? आप तो खुद यहाँ रुकना चाहती थी, फिर अब? लेकिन अब मैं यहाँ नहीं रुकना चाहती। आपने उस बंजारा लड़की की बातें सुनी है ना? ये बात मुस्कुराने की नहीं है मेजर साहब। न जाने क्यों मुझे बहुत डर लग रहा है। इसमें डरने की कोई बात नहीं है कौशल्या जी। कैसे डरने की बात नहीं है? रोज ही तो किसी न किसी की जान जा रही है। और फिर उस बंजारा लड़की ने भी कहा था कि वो लोग आपको मारना चाहते हैं। उस बड़े राक्षस ने हुक्म दिया है आपको मारने का, और फिर भी आप कह रहे हैं कि डरने की बात नहीं। हम समझते हैं कौशल्या जी, यहाँ खतरा है, चारों तरफ खतरा ही खतरा है, मगर खतरों से जूझना अब हमारा मकसद बन गया है। लेकिन क्यों क्यों लज रहे हैं आप यहाँ के रहस्यों से? यहाँ छिपे लोग इंसान नहीं मायावी हैं। आप उनसे नहीं जीत पाओगे। ऐसा कहकर हमारे आत्मविश्वास को कम मत करो कौशल्या। मैं सिर्फ आपको समझा रही हूँ मेजर साहब। यहाँ से लौट चलिए। कम से कम इस बच्चे का तो ख्याल कीजिए जिसने ये दुनिया देखी भी नहीं। मैं आपको इस बच्चे का वास्ता देती हूँ, यहाँ से लौट चलिए मेजर साहब। बच्चे की फिक्र मत करो कौशल्या। इस बच्चे का जन्म संकटों के बीच होना लिखा है। हम इसे नहीं टाल सकते। लेकिन ये आप कैसे कह सकते हैं? ये हमारा नहीं, एक दिव्य महापुरुष का कथन है। महापुरुष? हाँ, हमने आपसे एक बात छिपा कर रखी थी। हमसे एक महापुरुष मिलने आए थे। कब? जिस रात आप गिरी थी, उस रात आपके सो जाने के बाद हम बाहर बेचैनी से चहलकदमी कर रहे थे। रक्षक समझ सकते हो मुझे? तुम व्यर्थ ही चिंतित हो रहे हो अपनी धर्मपत्नी और होने वाली संतान के लिए। धीरज रखो, सदैव वो ही होता है जो ईश्वर की इच्छा होती है। तुम्हारी संतान का जन्म संकटों के बीच ही होगा, यही ईश्वर की इच्छा है। लेकिन क्यों? क्योंकि असाधारण लोगों का जन्म साधारण ढंग से कभी नहीं होता, और तुम्हारी होने वाली संतान असाधारण होगी। असाधारण? तुम्हारी संतान भविष्य में सत्य का योद्धा बनेगी, और इस संसार में फैले हुए पाप का प्रतिकार करेगी। तुम जिनका रहस्य जानने यहां आए हो, वो एक असाधारण शक्ति के स्वामी है। उनकी शक्ति के सामने तुम्हारी शक्ति क्षीण है। अतएव मैं तुम्हें कुछ देता हूं। ये ले लो। सत्य के इस युद्ध में ये तुम्हारी रक्षा करेगी। इसको कभी अपने से अलग मत होने देना। अब आप ही बताइए, हम उनकी बातें कैसे नहीं मानते? ये तलवार उन्होंने हमें हमारी रक्षा के लिए दी है। यकीन मानो कौशल्या, जब तक ये हमारे हाथ में है तब तक हमारा कोई अहित नहीं कर सकता। हम इसकी शक्ति को जान चुके हैं। आप यहीं रुकिए, हम देखते हैं।